नमस्कार, मी शेख आहे. माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. आजच्या विशेष बातमीपत्र पाहूया. हॅपी क्लबच्या कार्यास एक वर्ष पूर्ण. सलीम शेठ सोजागर यांनी दिल्या शुभेच्छा. आता बातमीपत्र विस्ताराने. नांदेड जिल्हा हा मोठा जिल्हा आहे, त्या मानाने येथील शासकीय दवाखाना सुद्धा सर्व सोयीयुक्त आणि प्रशस्त आहे. त्यामुळे नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात हिंगोली, परभणी, लातूर आदी जिल्ह्यातून रुग्ण रोज हजारोंच्या संख्येने दाखल होतात. त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हॅपी क्लब या ग्रुपने रुग्णांना मोफत खिचडी व पाणी वाटप करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यांच्या या कार्यास एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. हॅपी क्लबच्या यशस्वी वर्षपूर्तीनिमित्त केक कापून आनंद साजरा करण्यात आला. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर वाय एच चव्हाण, फ्रेंड्स जर्दा स्टोअरचे मालक हाजी अब्दुल सलीम शेठ सोजागर, हॅपी क्लबचे मोहम्मद शोएब यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते. हे समाज उपयोगी कार्य असेच चालू राहण्यासाठी मान्यवरांनी हॅपी क्लबला शुभेच्छा दिल्या. हॅपी क्लब की जानिब से पिछले एक साल से सिविल हॉस्पिटल के अंदर रोजाना खिचड़ी तकसीम की जा रही है. एक सितंबर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम को यहाँ पर शुरू किया था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज कल एक साल कंप्लीट हुआ. आज हमने यहाँ पर अला सलीम शेठ साहब सौदागर के हाथों से यहाँ पर केक काट कर एक साल कंप्लीट होने के लिए हमने यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया. और इसके अंदर ट्रैवलिंग वगैरह में अला सलीम शेठ सौदागर साहब का हमको अच्छा योगदान रहा है. इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस सिविल की खिचड़ी को इंशाल्लाह हम जब तक सलामत रहेंगे और हमारे बाद भी जो लोग हमारी टीम को संभालेंगे हम तब तक ये खिचड़ी के जो ये अंजाम देते रहेंगे. इसके अलावा भी पानी की टाँकी नगर पालिका का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी खिचड़ी जाती है और पानी भी तकसीम किया जाता है. मी डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून डॉक्टर वाय एच चव्हाण काम करत असतो. आणि गेल्या वर्षभरापासून 2 ते 3 दरम्यान दररोज खिचडी वाटपाचा कार्यक्रम गोरगरीब रुग्णासाठी व रुग्णांच्या नातेवाईकासाठी स्पेशली हे वितरित करत असतात. आणि त्याचं एक वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनी आज त्यांचा सेलिब्रेशन जे म्हणतो आपण किंवा त्याचं जे आपण खुशीनं जे एक वर्ष झालेलं जे आपण म्हणतो ना सालगिरा ज्याला आपण ॲनिव्हर्सरी ते आपली हे वाटून काय म्हणतात आपली केक कापून सेलिब्रेट करत आहेत. आणि याच्यामध्ये हॅपी क्लबतर्फे विविध प्रकारचे उपक्रम त्यांनी राबविलेले सगळ्या गोष्टी माझ्या थ्रू ते करत असतात. माझी परमिशन घेऊनच करत असतात बिचारे. ॲक्च्युअली घ्यायची सुद्धा गरज नाही पण करतात. गोरगरीब रुग्णांना ड्रग्ज असतील किंवा इंजेक्शन्स असतील महागडे ते आणून देतात. आणि संपूर्णपणे गोरगरीब रुग्णांना ज्यांना बिलकुल म्हणजे DRD ज्याला म्हणतो आपण तशांना ज्यांच्याकडे पैसा नसतो त्यांना त्यांनी मनापासून मदत करतात. आणि याच्यामध्ये जे सौदागर भाई आहेत आपले त्यांची फार मोठा योगदान आहे. आताच नाही सौदागर फॅमिलीबद्दल मी वर्षोनवर्ष ऐकत आलेलं आहे जेव्हापासून माझे संबंध आलेले आहेत त्यांच्याशी. आणि हे एक फार मोठं काम आहे, फार म्हणजे परोपकाराचं काम आहे. हे काम त्यांनी पार पाडत आहेत. हे त्यांचं हे काम बघून त्यांचं कौतुक किती करावं हे माझ्याकडे शब्द नाहीत असं मी बोलतो. अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का हम हिंदुस्तानियों पे फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को जिंदा रखा. हमारे पास गंगा जमुना की तहजीब की जीती जागती निशानी है. ये सिविल हॉस्पिटल में हैप्पी क्लब शोएब भाई ये जो बच्चे खिदमत करते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं इसका मुबारकबाद हमारे चौहान सर को भी दूंगा जो हमारे शोएब भाई हैप्पी क्लब को उन्होंने हेल्प करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए. और ये हैप्पी क्लब जो शोएब भाई है अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यहाँ पर पेशेंट को भी लेके आते, पेशेंट का भी ट्रीटमेंट के लिए अपना कोशिश करते. और दूसरा यहाँ पेशेंट के साथ जो लोग मेहमान आते हैं उनके दवाखाना एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे दवाखाना. मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दवाखानों से बचा के रखे. और जब दवाखानों पे जब कोई पेशेंट जाता है अल्लाह ताला उस पे रहम कर दे. दवाखाने में आने के बाद ये सिविल हॉस्पिटल है मगर यहाँ आने और जाने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता क्योंकि शहर से बाहर बन गया ये हॉस्पिटल. एक आम आदमी गरीब आदमी के लिए बहुत तकलीफ दे बात है.
मगर शोएब भाई हैप्पी क्लब अपनी कार रखकर पेशेंट को लाते हैं और ले जाते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, और साथ में पेशेंट के जो लोग रहते उनको यहाँ खाना खिलाने का इंतज़ाम रहता है। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंसान पे अल्लाह ताला कौन सा कर वक्त डालेगा, बोल नहीं सकते। बस वो जज्बात को दिमाग में रखते हुए मेरे वाली साहब की नसीहतें हैं कि कोई भी अच्छे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, नेक कामों में। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। किसकी दुआ मेरे को लग गई, लग जाएंगी मेरी औलाद को, मेरी नस्लों को, अल्लाह जाने। बस मैं काम कर रहा हूं, अल्लाह कबूल कर ले। कुछ भी नहीं साहब, फ़कीर आदमी हूँ, मेरी फ़कीरी में मैं बादशाहत करता हूँ। हमारे वालिद साहब बोलते थे, आपके पास अगर कोई ज़रूरतमंद आए उसकी ज़रूरत पूरी करना, और हमारे पास कोई पैसे मंगने आते हम पैसे देते, कोई कारोबार मंगने आया उसको कारोबार देते, कोई इज्जत मंगने आता उसको इज्जत देते, और कोई जो भी उसकी डिमांड रहती है हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हमको इतना दे इतना दे इतना दे इतना दे इतना दे, ताकि तेरी राह में दिल खोल के खर्च कर सके। बस ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ये दे रहा और ये सब चीज़ें हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग बच्चे काम करने वाले जिम्मेदारान जो दीन की खिदमत करते हैं, तेरे मखलूक की खिदमत करते हैं रब्बुल आलमीन, अल्लाह इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, इनके ताउन के लिए मेरे को अल्लाह तूने चुना, तेरा करोड़ों एहसान है रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारी इस अकीदत नस्बत को तेरी बारगाह इलाही में कबूल करते हुए हैप्पी क्लब शोएब भाई को जिस नीयत से, जिस मकसद से ये बच्चे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके काम में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनके तमाम ख़ानदान वालों पे हिफ्ज़ो अमानी अता फरमा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन इनके बीवी इनके औलाद के ऊपर रहम और करम फरमा रब्बुल आलमीन। अल्लाह इनकी औलाद को हर बीमारी से बचा रब्बुल आलमीन। जिस नियत के साथ इन्हों आज बड़े दवाखाने में सिविल हॉस्पिटल में ये लोग बीमारों की, बीमार के रिश्तेदारों की खिदमत करते हैं यहाँ पे रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला इसका सिला इनको अता फरमा दे रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या टॉप ऑटोमोबाईल हिंग।